नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिन लोगों के दांतों में कीड़ा लग गया है तो इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए एक बहुत ही आसान, बहुत ही असरदार और बहुत ही किफ़ायती घरेलू नुस्खा हम आपको बताने वाले हैं। इस नुस्खे का आप प्रयोग करके आप अपने दांतों पर लगा हुआ कीड़ा आसानी से हटा सकते हैं और इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि दांतों में कीड़ा क्यों लग जाता है। देखिए दोस्तों, जब दांतों के बीच में लंबे समय तक आपके भोजन के कण जमा रह जाते हैं तो इससे दांतों में कीड़ा लग जाता है। जब दो दांतों के बीच में कीड़ा लग जाता है तो इससे मसूड़ों के आसपास और उनकी जड़ों को भी नुकसान होने लगता है। दोस्तों, वैसे तो दांतों के कीड़े नष्ट करने वाले कई सारे प्रोडक्ट्स आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन इन उत्पादों में केमिकल का इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, जिससे दांतों के अलावा सेहत पर भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव यानी कि बुरा असर पड़ने लगता है। दोस्तों, अगर दांतों के बीच में कीड़ा लग गया है और या फिर आपके दांत पीले और बहुत ही ख़राब दिखाई देने लगे हैं तो आपको अब मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूं, असरदार कारगर घरेलू नुस्खा, जिसको आपको अजमाना चाहिए, क्योंकि इसको अजमाने के बाद आपके दांतों में जो कीड़े लगे हैं वो जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। इन उपाय को अजमा कर आपके दांत एकदम सफ़ेद भी होंगे दोस्तों और कीटाणुओं से सुरक्षित भी बन जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कौन सा है यह नुस्खा। तो दोस्तों, इस नुस्खे के लिए सबसे पहले आपको दांतों के कीड़े मारने वाला टूथपेस्ट बनाना है। और दोस्तों, ये कैसे करना है चलिए जानते हैं। दोस्तों, दांतों से कीड़े मारने का टूथपेस्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले 3 चम्मच नारियल यानी कि कोकोनट ऑयल को लेना है। फिर इसमें आपको 3 चम्मच बेकिंग सोडा को ऐड करना है। इसके बाद आपको 1 चम्मच नीम की पत्तियों का पाउडर डालना है और उसके बाद 2 से 3 बूंद आपको पेपरमेंट ऑयल की मिला लेना है। ये सात चारों चीज़ें जब एक कंटेनर में आप स्टोर कर लें तो इनको अच्छी तरह से आपको मिक्स कर लेना है। और दोस्तों, उसके बाद जो ये मिश्रण तैयार होता है, इस मिश्रण को आपको आपके दांतों पर बहुत ही अच्छी तरह से लगाना है। दोस्तों, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको टूथब्रश की मदद से इन्हें दांतों पर अच्छी तरह से रगड़ना है कुछ देर बाद। उसके बाद आप कुल्ला कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपको बताता हूँ इसका फ़ायदा क्या होगा। देखिए दोस्तों, इस उपाय को अजमाने का फ़ायदा यह है कि इससे आपके दांतों के एक तो कीड़े मर जाएंगे और इसमें हमने नारियल के तेल का इस्तेमाल किया है जो दांतों से आपकी कैविटी को दूर करेगा। दूसरी बात, इसमें जो हमने बेकिंग सोडे का यूज़ किया है वो आपके दांतों को सफ़ेद बनाने में काफ़ी मदद करेगा। दोस्तों, इसमें जो हमने पेपरमेंट ऑयल यानी कि पुदीने का तेल लिया है, यूज़ किया है, वो आपकी सांसों की दुर्गंध को दूर करके एक माउथ फ्रेशनर का काम करेगा। और जो नीम की पत्तियों का पाउडर हमने इसमें यूज़ किया है वो ख़ास तौर पर आपके बैक्टीरिया को नष्ट करेगा और मसूड़ों की जो सूजन है या फिर आपको अगर मसूड़ों की सूजन हो रही है तो उससे भी आपको छुटकारा दिला देगा। बहुत ही आसान, बहुत ही किफ़ायती और बहुत ही कारगर नुस्खा है। जो लोग भी दांतों में कीड़ा लगने की समस्या से, प्रॉब्लम से काफ़ी ज़्यादा ग्रसित हैं, वो इसको एक बार यूज़ कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी हमारा आज का नुस्खा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।